नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए सरगुजा से भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके बाद हुई सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरक्षण और अन्य बातों को लेकर कांग्रेस बरगरा रही है, उसके बहकावे में ना आए, आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। नामांकन रैली में जितना भी यहाँ आइन है, मैं सब जन के बहुत बहुत अभिनंदन करत हूँ, मनकर आभार व्यक्त करत हूँ। चूंकि समय नहीं है, एकर लिए मैं ज्यादा नहीं बोलत हूँ। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी के और सब मंत्री मन के और जितना भी हमार भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी मन आइन है हमारे नामांकन में शामिल होए बर, उमन के आभार व्यक्त करते हुए और यहाँ उपस्थित सब जन के आभार व्यक्त करते हुए मोर बात ला विराम करत हूँ। जय जय श्री राम। थोड़े दोनों हाथ उठाए के जय जयकार करी। जय जय श्री राम, मुट्ठी बांध के जय जय श्री राम। मैं प्रणाम करने आया हूँ सरगुजा के आप जैसे मेहनती कार्यकर्ता भाई और बहनों का, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में सरगुजा संभाग को कांग्रेस मुक्त बनाने का आप लोगों ने काम किया है, और इसके लिए मैं आपको प्रणाम करने आया हूं, आपका अभिनंदन करने आया हूं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जब मैं बार बार अंबिकापुर सरगुजा आता था, लोग पूछते थे कि आपके पास एक भी विधायक नहीं है, कैसे करेंगे। और तब मैं आपके दम पर, आपके भरोसे पर सबसे कहता था कि आप विधानसभा चुनाव का परिणाम देखिएगा कि सरगुजा अपने अपमान का बदला कैसे चुकाएगा, अपनी उपेक्षा का बदला कैसे चुकाएगा, और ये भ्रष्टाचारी सरकार को कैसे उखाड़ कर। मित्रगण, मैं सबकर ले पहले सरगुजा संसदीय क्षेत्र के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मल्ला नमन करत हूं, जो पिछले विधानसभा के चुनाव में सरगुजा में कांग्रेस के सुपड़ा साफ कर दिन 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जीता के ऐतिहासिक काम कर दिन। ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मल्ला मोर जोहार नमन। बंधु हमला जांजगीर भी जाना है, इसीलिए आप मन से जल्दी विदा लेना चाहत हन, और मैं तो यही आप मन से कहे बर आए हूं कि ये जो लोकसभा के चुनाव है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। आप सब सहमत है ना? सब सहमत है तो मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की। ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटा है और 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मान के उमन के सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते, और 10 साल प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम आप मन देखे हा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर हर वर्ग के चिंता करे के काम हमर प्रधानमंत्री जी करी नहीं। पूरे दुनिया में हमर देश के डंकाबाजी से 140 करोड़ भारतवासी मन के सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने वाला हमर प्रधानमंत्री जी। आज ये चुनाव 2047 तक हमर भारत देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करे के चुनाव है, और आने वाला 5 साल में हमारे देश ला तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत के रूप में खड़ा करे के चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सरगुजा संसदीय क्षेत्र से श्री चिंतामणि महाराज जिला
अपन प्रत्याशी बनाई से, तो आने वाला 7 मई के आप सबके बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले। श्री चिंतामणि महाराज जी प्रचंड मत से सांसद बन के दिल्ली जाएं, भारत के संसद में जाएं, और हमारा नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही आग्रह करे बर मैं आए हूं। और ये जो कांग्रेस जो पिछले 5 साल राज करी और बड़े बड़े वादा 36 वादा करके एक भी वादा 5 साल में पूरा नहीं करी, बल्कि छत्तीसगढ़ ला भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिस, अपराध के गढ़ बना दिस, हर चीज में भ्रष्टाचार, कोयला में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, डीएमएफ के राशि में भ्रष्टाचार, और तो और ये नरवा गरवा घुरुआ बारी के गोबर तक ये कांग्रेसिया मन खागिन। आज कई ठन नेता मन और एवं ला सहयोग करने वाला अधिकारी आज 6-6 महीना साल साल भर से जेल के अंदर में है, उमन के बेल बार बार खारिज होते, वैसा ये कांग्रेसिया मल्ला सबक सिखाना है, सबक सिखाना है कि नहीं। जैसे सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील करते हुए मतदाताओं से कहा कि आपका एक वोट हमारे भारत के अगले 5 वर्ष निर्धारित करता है। आज से प्रारंभ हो रहे लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सभी, विशेषकर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर, जरूर जुड़े। आपके मतदान की शक्ति से हमारे भारत को विकास की नई दिशा मिलेगी। प्रजातंत्र का महापर्व ये चुनाव निश्चित रूप से देश की संभावनाओं को लेकर आया है। आज 19 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रथम चरण में बस्तर में मतदान होना है। मैं सभी मतदाता भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में हिस्सा लें। युवा और ख़ास तौर से फर्स्ट टाइम वोटर, ऐसे यूथ से भी अपील करता हूं कि आप इस प्रजातंत्र के महायज्ञ में जुड़ रहे हैं, पहली बार आप आ रहे हैं, देश के भविष्य के लिए आप भी सजग होकर मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मतदान के लिए निकलें, यही मेरा आग्रह। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महोत्सव की शुरुआत हो गई है। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान चल रहा है। कुल संसदीय क्षेत्रों के 19% सीटों पर मतदान जारी है। 44 दिनों की लोकतांत्रिक यात्रा 1 जून तक चलेगी। 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। बस्तर में 1 बजे की स्थिति में 42.57% मतदान हुआ था। बस्तर लोकसभा सीट के नारायणपुर जिले के तहत आने वाले छोटे डोंगर गांव में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां ग्रामीण मतदान के समय से पहले ही पोलिंग बूथ पर पहुंच गए थे। मतदान केंद्र का गेट खुलने पर मतदाता वोट डालने के लिए दौड़ लगाते हुए लाइन में लगे रहे। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। बारह बजा 575 घर का बना है 2 महीना की इंस्टॉलमेंट ना दे दे। नहीं तो का वो सब छोड़े, दिक्कत हो गई। क्या हो गए? देखो 21 अप्रैल ने छत्तीसगढ़ के प्रीमियम शो EMI के सब एपिसोड बिल्कुल मुफ्त मा उहु मया टीवी के यूट्यूब चैनल मा, तो चैनल ला अभी सब्सक्राइब करो। Oh, oh, oh.
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी, अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893991132। नालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के कणों में दुनिया का नंबर वन हैवी ड्यूटी रे सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कवर्धा में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। हेलीकॉप्टर को शहर के पुलिस लाइन लैंड करना था, लेकिन अचानक पीजी कॉलेज ग्राउंड में लैंड कर दिया गया। जब डिप्टी सीएम उतरे तो पीजी ग्राउंड में पुलिस के अधिकारी गायब थे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा बाइक पर बैठकर सांसद प्रत्याशी संतोष पांडे के निवास पहुंचे। इसको लेकर विजय शर्मा पुलिस प्रशासन पर भड़क गए। इस घटना में हेलीकॉप्टर पायलट की चूक बताई जा रही है। पायलट ने निर्धारित जगह को छोड़कर दूसरे स्थान पर हेलीकॉप्टर उतार दिया था। कवर्धा में क्या सुरक्षा में चूक किया, कवर्धा में जहां उतारेंगे तो हमारा सुरक्षित स्थान है, कोई विषय नहीं है। और ऐसा कंफ्यूजन हुआ कि उस हेलीपैड की जगह में इस हेलीपैड में उतार दिया गया। उतरते समय भी पूछा गया मुझसे, मैंने कहा यहीं उतारो भैया, हो क्या काम खत्म। मैं आम आदमी ही हूँ, मैं कवर्धा में हर क्षण बाइक में घूमूं तो मुझे ज्यादा आनंद है, बहुत आनंद का विषय लगा जब मैं वहां से हेलीपैड से जो है सर जगह आए हैं, आप किस में आए थे? मैं बाइक में आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। मेरा लगातार दूसरी बार चूक हुआ, इससे पहले मुख्यमंत्री आए थे तब भी ऐसी मुख्यमंत्री जी के आते समय जो हुआ वह गंभीर विषय था, वो नहीं होना था। मुख्यमंत्री जी के लिए हम सबको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। सुरक्षा बलों के शौर्य से, पराक्रम से लोगों के मन में विश्वास जागा है, और नक्सलियों के मना करने के बावजूद भी लोगों ने जबरदस्त मतदान किया है, यह स्वागत का विषय है। कल तक पूरे प्रदेश में काका दुलरवा के नाम से मशहूर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के दिन इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं। भूपेश बघेल की आलोचना की कड़ी में उनका एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो एक ग्रामीण को हड़काते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में भूपेश बघेल से एक ग्रामीण क्षेत्रीय विधायक की शिकायत करते हुए नजर आ रहा है। वह ग्रामीण की शिकायत सुनने के बजाय भूपेश बघेल तमक गए और कहने लगे कि मेरी बात मेरे से करो, विधायक की बात मेरे से मत करना, मुझे तुमने बुलाया है मैं आ गया, विधायक नहीं आए तो वो अपना जाने। विधायक के बाद विधायक ले करूं यार, मोर 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 कर करो, जब तक मेरे कोई भी बात कर सकते हैं और बात लेते हैं चल के है तुम्हारा, जब तक ले विधायक समाज की बात करें पहली बार कहते हैं बुलाया के रहना मना नहीं है इसे ना, बोला बुलाया तो ऊपर से बात करते हैं, मोला बोले मैं आ गए समझ के ना, ये बात मत करेगा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित में किसानों को आचार संहिता के चलते ऋण स्वीकृति पर लगी रोक अब हुई शिथिल, जिससे जितने पुराने रिन्यूअल केस को ऋण स्वीकृति करने आदेश पारित हुआ है। दुर्ग के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित में ऋण स्वीकृत किए जाने को लेकर किसानों की लगातार मांग की जा रही थी, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के चलते लगे आचार संहिता के कारण ऋण स्वीकृति पर रोक लगा दिया गया था। इसके बाद किसानों को ऋण स्वीकृति को लेकर परेशानियों का सामना करते देखा जा रहा था। बता दें केंद्रीय सहकारी बैंक में मध्यकालीन और दीर्घकालीन पर किसानों को ऋण स्वीकृत किया जाता है, जिसमें बैंक ऋण समिति द्वारा 5 सदस्यीय टीम द्वारा ऋण की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिस पर आचार संहिता के चलते रोक लगाई गई थी। वहीं बैंक प्रबंधन के द्वारा दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी से चर्चा कर संज्ञान में लाया गया। इसके बाद पेंडिंग पुराने रिन्यूअल कैश को ऋण स्वीकृत करने आदेश पारित किया गया और बाकी किसानों का आचार संहिता के समाप्त होते ही पुनः सभी ऋण प्रक्रिया का स्वीकृत किया जाएगा। इस संबंध में बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस के जोशी ने जानकारी दी। हमारे यहाँ जो मध्यकालीन दीर्घकालीन ऋण जो स्वीकृत होता है वो ऋण समिति के माध्यम से होता है, और उसमें 5 पदाधिकारी अधिकारी मिलकर के कमेटी के सदस्य हैं। तो आचार संहिता लगने के कारण से ऋण समिति की बैठक नहीं हो पा रही थी, इसलिए ऋण स्वीकृत नहीं हो पा रहा था। लगातार किसानों का भी मांग आ रहा था, तो हमने इस बात को कलेक्टर मैम जो बैंक का OIC है उसके संज्ञान में लाए हैं, तो कल उन्होंने हमें अनुमति दिए हैं कि आप जो है ऋण समिति के प्रत्याशा में जितने रिन्यूअल वाले केस हैं, पुराने प्रकरण हैं, उनको स्वीकृति दें, और जब आचार संहिता ख़त्म होगा तो उसके बाद हम लोग ऋण समिति की बैठक में उसकी पुष्टि करेंगे। तो हाँ, बाद में भी हमारे पास आए हैं, लगातार प्रक्रिया है बैंक में, कोई निश्चित समय में ऐसा होता नहीं है। जब जिसकी ज़रूरत होती है वो आवेदन करता है बैंक में ऋण के लिए, और हम लोग सैंक्शन करते हैं, उनको ऋण उपलब्ध कराते हैं।
बड़ी जो फसल ऋण है उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है, उसके लिए कोई कमिटी नहीं होती है, उसका अलग से प्रक्रिया ऋण देने का वो निरंतर चलते रहता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली समस्या नहीं आती। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण, उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी, अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज, नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान, बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
औद्योगिक क्षेत्र स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चौक में स्थित सामने ब्लॉक 12 के मकान नंबर 18 में बीती रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जिस समय आगजनी हुई, मकान में रहने वाले कहीं आसपास गए हुए थे। पड़ोसियों ने आग की लपटें उठती देख उन्हें और दमकल विभाग को आगजनी की जानकारी दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, क्योंकि आग ने तीसरे मंजिल पर स्थित कमरे को घेर लिया था। इस आगजनी से घर के भीतर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। जिला निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निगम भिलाई क्षेत्र के सेक्टर 2 फुटबॉल ग्राउंड में फ्रेंडली मैच का आयोजन किया गया, जिसके तहत मैच देखने आए आम जनमानस एवं शासन प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों ने शत प्रतिशत मतदान करने शपथ ली। जिला निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के तहत शत प्रतिशत मतदान को लेकर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं और आम जनमानस को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सेक्टर 2 भिलाई स्थित फुटबॉल मैदान में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिक निगम भिलाई की टीम सहित नागरिक 11, जिला प्रशासन 11 और BMY चरोदा 11 के मध्य फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेला गया। यह फुटबॉल मैच देखने के लिए आम नागरिकों की भीड़ देखने को मिली। तीनों रोमांचक मुकाबले में सभी टीमों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और मैच के अंत में शासन प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों सहित आम जनमानस ने भी 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान करने एवं अपने साथ अन्य लोगों को भी मतदान के लिए जागरूक करने का संकल्प लिया। मतदाता जागरूकता अभियान लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए विभिन्न चरणों में चलाया जा रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई और जिला प्रशासन के सहयोग से सेक्टर 2 फुटबॉल मैदान पे फ्रेंडली फुटबॉल मैच एक दिवसीय खेला गया, जिसमें सभी लोग BMY चरोदा, नगर निगम भिलाई अधिकारी 11, जिला प्रशासन अधिकारी 11 और वहाँ के जो बच्चे हैं नागरिक 11 की तरफ से मैच खेला गया। बहुत सद्भावनापूर्ण मैच था और ज़बरदस्त मैच था। खासकर जिला प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं, IG, SP, हमारे कमिश्नर साहब, दुर्ग निगम, भिलाई निगम और जिला पंचायत के CEO सर, इन्होंने जिस ढंग से खेल का प्रदर्शन वहाँ किया, ऐसा लग रहा था कि सदैव खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं और ज़बरदस्त मैच रहा, जिसकी चर्चा शहर में है। मैच का उद्देश्य ये था कि लोगों को 7 मई को होने वाले आम चुनाव, जो लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए 7 मई को जो तिथि निर्धारित की गई मतदान दिवस, तो एक सम मतदान के नाम के उद्देश्य को लेके इस मैच को करवाया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने हेतु जिला प्रशासन एवं नगर पालिक निगम भिलाई संयुक्त रूप से प्रयास कर रहा है। देखना होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में शासन प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों से मतदान का प्रतिशत कितना बढ़ पाता है। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के ग्राम गनियारी में हुए डबल मर्डर के मामले में अब तक दुर्ग पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं पुलिस ने कई एंगलों से मामले की जांच के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हुए फेल। दुर्ग के ग्रामीण क्षेत्र में डबल मर्डर के मामले में अब तक दुर्ग पुलिस के हाथ खाली हैं। एक और ग्राम गनियारी में दादी और पोती की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते एक ही परिवार में दो लोगों की हत्या से सभी तरफ हड़कंप मच गया था। दुर्ग पुलिस की टीम हत्या के कारणों सहित आरोपी की पतासाजी में जुट आरोपियों का सुराग लगा रही थी। साथ ही हत्या के कारणों का पता भी लगाया जा रहा था, जिसमें दुर्ग पुलिस विभिन्न एंगल से मामले की जांच कर रही थी। बावजूद इसके अब तक दुर्ग पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पाया है। इस मामले में आखिर क्राइम ब्रांच की इतनी बड़ी टीम, जो कि बारीकी से जांच में जुटी हुई थी, और न ही टावर डंप में भी पुलिस नहीं कर पाई आरोपी की खोज, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी फेल हुई। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।